एटीएम सर से बात करने के लिए गया था, उसका कार्ड ने कर दिया। खाने पीने का तो कुछ नहीं इधर मिला नहीं और पैसा भी नहीं है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. काफी जो लोग हैं वो और प्रदेशों से बिहार नहीं आना चाहते, कई लोग हैं जो बिहार से भी बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि उनसे रेंट मांगा जा रहा है, उनके पास अब पैसा नहीं है और इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही चल के आए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह से कुछ मिला नहीं है खाने को, तो यहाँ सरकार से कुछ यहाँ नहीं मिला है। आप यहाँ पर आए कैसे? पैदल। कहाँ से आए आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। यहाँ पढ़ाई कर रहे थे? किस चीज का पढ़ाई कर रहे थे? बिजनेस का। और वहाँ पर आपके पूरा परिवार है असम में? तो वो लोग चाहते हैं आप वापस आ जाओ, आप भी चाहते हैं आप वापस पहुँच जाए, पर यहाँ से कुछ सुविधा मिल नहीं रहा है। तो अभी यहाँ आप आए हैं तो यहाँ से कुछ बताया गया है कि कोई बस जाएगी या नहीं जाएगी? कोई बताया नहीं अभी तक। आप कहाँ से हैं सर? असम से हूँ। आप भी असम से? आप दोनों एक साथ चल रहे हैं? जी, तीनों मिलकर आए हैं। हम लोग का तीन है। तीन लोग हैं जी। आपका नाम पूरा? लिटिल नाथ। लिटिल नाथ। और आप असम में रहते थे, यहाँ पढ़ाई के लिए कितने पहले आए थे? मार्च, इतना दिन नहीं हुआ, मार्च में आए थे। कितना लंबा सफर था, कितना टाइम लग गया? दो दिन लगा पूरा। इधर से आरा जाएगा बस, इतना तक लिफ्ट मिलेगा तो हम लोगों का बहुत हेल्प होगा। इधर से आगे तक देखेंगे क्या होता है, उधर से कोई लिफ्ट मिलेगा तो होगा, नहीं तो पैदल जाएंगे। और खाने पीने का क्या हो रहा है? खाने पीने का तो कुछ नहीं इधर मिला नहीं और पैसा भी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है जाने का? कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, हम ट्राई करेंगे आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, आपको सरकार से कुछ मदद मिले, लेकिन आप रोइए मत, है ना। असम सरकार को इतना अनुरोध किया। आपने हेल्पलाइन नंबर पे बात किया? बात करने बाद उसके बाद नंबर देता है, नंबर स्विच ऑफ आता है या बिजी आता है, लेकिन कोई स्विच ऑफ आता है या बिजी रिसीव करने के बाद वो भी एक नंबर देता है, इस नंबर पे कॉल करो, कॉल करने के बाद तुमको हेल्प मिलेगा, लेकिन बट कनेक्ट नहीं होता है, स्विच ऑफ दिखाता है। आप जो जिस नंबर पर कॉल कर रहे हो अभी बिजी है ऐसा बोलता है। और इतना औरंगाबाद पुलिस के पास भी गया, उसके बाद पुलिस ने भी बोला तुम लोग पैदल चले जाओ, कुछ नहीं होगा। और असम के इतना हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल किया, असम के पुलिस के पास भी कॉल किया, कुछ हेल्प नहीं मिला, इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि पैदल चले जाए। और रूम पे भी खानी नहीं है और रूम निकल दिया रूम से, और खाने का पैसा भी नहीं है और खाना भी नहीं है, और हेल्पलाइन पे नंबर करने से तो बिजी मिलता है तो खाना कैसे आएगा रूम पे। और तो अभी तो औरंगाबाद पूरा सील कर दिया तो ऐसा अभी तो निकाल नहीं पाएगा, आज रात को चुप चुप के निकाल के आया इधर से। आपका आपका पूरा नाम? डेनियल अविसंगमा। और ये आपने यहाँ पे बिहार सरकार से नहीं कुछ मदद मांगी? मांगा बिहार पुलिस से मांगा था, लेकिन बिहार पुलिस मांगने के बाद बिहार पुलिस ने औरंगाबाद पुलिस का नंबर दिया, उसके बाद औरंगाबाद पुलिस बोला डीएम सर से बात करो तब क्या होता है पता चलेगा। डीएम सर से हम लोग तो नहीं जानते किधर डीएम सर बैठते हैं, और तो औरंगाबाद पूरा सील है अभी तो, इसलिए और कुछ नहीं हुआ, पैदल चले आए। और कैसे आए यहाँ पर? यहाँ पर वहाँ से नागपुर से ट्रेन धरे, हाँ। तो वहाँ मुजफ्फरपुर गए, ट्रेन से मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरपुर से बस पे बैठाया वो लोग, हाँ जी। बस वाला पटना जंक्शन थोड़ा उतार दिया। अच्छा। रात को 2 बजे, कल रात को। हाँ। अच्छा, 2 बजे से वहाँ से पैदल आए यहाँ पर, वो स्टेशन से यहाँ पैदल आए। हाँ। तो अभी कुछ पता चला है कहाँ कहाँ जाने को मिलेगा, कैसे जाने को मिलेगा? अभी कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। और वहाँ से नागपुर से क्यों यहाँ आ गए? नागपुर में वो कोरोना का केस ज्यादा बढ़ रहा था केस, इसलिए यहाँ आ गए। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप? पटना जिला। पटना, मतलब पटना में तो अभी है, वैसे कहाँ रहते हैं? पालीन प्रखंड। और आप सर? हम लोग सब एक ही साथ में, नागपुर से ही आए हैं जी। तो कितना आपको भी सेम समय लगा, आप भी पहले ट्रेन से? हम लोग सब साथ में आए हैं, मुजफ्फरपुर उतरे, 5 आदमी। अच्छा,
और मुजफ्फरपुर उतरने के बाद वहाँ से बस ने हमको छोड़ा 2 बजे पटना। अच्छा। पटना वो बोले बस वाले उतार के चले गए, बोले कि हमको सेंटर मालूम नहीं है, उतरना है तो उतरो नहीं तो वापस लेके चले जाऊँगा मुजफ्फरपुर। अच्छा। तो हम लोग डर से उतर गए। उतरने के बाद हम लोग फिर इधर उधर भटक के फिर वापस हम लोग पुलिस प्रशासन से भी पूछे तो वो लोग कुछ बताए नहीं, कुछ हेल्प मांगे बोले कि कुछ हम लोग को हेल्प कीजिए, तो कुछ नहीं हेल्प किए और बोले कि चले जाओ ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ, रास्ता बता दिए। तो हम लोग पटना से पैदल आए मैम इधर सुबह में 6 बजे से, अभी तक कुछ खाना पानी कुछ व्यवस्था नहीं हुआ हम लोग का। और आप लोग वहाँ करते क्या थे? वहाँ कांच कंपनी है, शीशे ग्लास का ग्लास फैक्ट्री है, तो वहाँ कोरोना ज़्यादा फैल गया था इसके वजह से कुछ दिन फैक्ट्री बंद हो गया, तो पेमेंट वेमेंट सब देना मालिक बंद कर दिए। तो हम लोग वहाँ से डिसीजन लिए कि यहाँ रुकना बेकार है, क्योंकि पेमेंट नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो खाना पानी कौन देगा। हम लोग सुबह से 6 बजे से यहाँ बैठे हुए, कुछ हुआ नहीं व्यवस्था, भूखे प्यास से कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, खाने के लिए नहीं पूछ रहा है, मांगने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, अब क्या करें, अब यहाँ से भी कुछ व्यवस्था निकल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम हम लोग को पालीगंज भी छोड़ देते तो हम लोग वहाँ से पालीगंज से कुछ दूरी है तो वहाँ से पैदल हम लोग चले जाते हैं। यहाँ से कितना दूर है आपका डिस्ट्रिक्ट, कितना किलोमीटर है? यहाँ से 45-50 किलोमीटर है पालीगंज। अच्छा। तो यहाँ से पालीगंज भी छोड़ देते तो वहाँ से 6-7 किलोमीटर है गांव, वहाँ पैदल चले जाते, मगर अभी तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है तो कैसे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में यहाँ पर 1.5 महीने से करीब यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमको मतलब मध्य प्रदेश जाना है तो यहाँ से ना तो यहाँ से कोई गाड़ी जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए, वहाँ से खाली गाड़ी आ रही है, ना तो यहाँ से कोई बस जा रहा है ना कोई साधन जा रहा है, अपने किराए से भी जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं जा रहा है यहाँ से इतना ज़्यादा। तो आप काम क्या करते थे? हम यहाँ पर पुचका बेचते हैं। तो अभी क्या दिक्कत आ रहा है? अभी दिक्कत ही दिक्कत है सबसे बड़ा कि मतलब हम इतना लोग 20-25 लोग है, अकेला मतलब सबका दुकान धंधा बंद है 1-1.5 महीने से, और खाने पीने के भी जितना पैसा था हमारे पास सब खर्चा हो गया है, और यहाँ की सरकार कुछ देती भी नहीं है खाने पीने के लिए। आज 7 दिन हो गया है पैदल आए, कोई ट्रक भी नहीं रोक रहा था, लिफ्ट मांग रहे थे। तो आपका नाम सर? मेरा नाम राजकुमार। कानपुर में पहले दाढ़ी करते थे, वहाँ पे काम बंद हो गया इसलिए आ गए। मुंगेर जिला, यहाँ से बोल रहे हैं कि अभी बस देंगे, सिर्फ बिहार बॉर्डर पे ही मिला था और कहीं नहीं। 7 दिन जो पास में दुकान कहीं कहीं पे खुला रहता था, चाय बिस्किट पे काम चलाए। कहाँ से कराया बस? इटावा से। इटावा से बस करा दिया? दिल्ली से इटावा कैसे आए? दिल्ली से पैदल आए थे। इटावा तो पैदल आए? हाँ पैदल में, फिर वहाँ इटावा में विरासती किया दिया। तो वहाँ काम क्या करते थे? वहाँ चुनाई करते थे हम लोग, पैदल आए थे। मैंने 3 दिन लग गया था। साहिल। वी आर आउटसाइड द दानापुर रेलवे स्टेशन वेयर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम विद इन बिहार हु वांट टू मूव आउट टू अदर स्टेट्स हैव गैदर्ड। दिस इज नीलम पांडे फॉर द प्रिंट। कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।